स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार इंजीनियरिंग एडमिशंस 2022। ठीक है, जो स्टूडेंट बिहार से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं 2022 में, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में जेई मेन के स्कोर पर होना है नामांकन। जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है बिहार के, उसमें जेई मेन्स के अनुसार जो है आपका एडमिशन होगा। ठीक है, बीसीसी सीटें खाली रहने पर लेगी परीक्षा। अगर जेई मेन्स के एडमिशन होने के बाद अगर सीट खाली रह जाती है तब आपका क्या होगा, बीसीसी का एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, जेई मेन्स के एडमिशन होने के बाद अगर सीट वैकेंट रह जाती है तब आपका जो है बीसीसी के द्वारा जो है और एग्जाम ऑर्गेनाइज किया जाएगा सीट भरने के लिए। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं बिहार के 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में जेई मेन के स्कोर पर नामांकन होगा। जेई मेन्स के नंबर के अनुसार जो आपका एडमिशन होगा। नामांकन प्रक्रिया बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बीसीसी द्वारा आयोजित करेगा, मतलब आपका बीसीसी के जो है बोर्ड, इसके थ्रू जो है आपका जेई मेन्स के नंबर के अनुसार काउंसलिंग कराया जाएगा, मतलब एडमिशन होगा। दो चरणों में ऑनलाइन काउंसलिंग एवं मॉप अप राउंड के तहत सीटें भरी जाएगी। आपका जो है दो चरणों में जो है ऑनलाइन काउंसलिंग लिया जाएगा, उसके बाद जो है आपका अगर मॉप अप राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग होने के बाद अगर सीट वैकेंट रह जाती है तब आपका क्या लिया जाता है, एक मॉप अप राउंड लिया जाता है जेई मेन्स के थ्रू। ठीक है, अगर आप मॉप अप राउंड के बाद भी सीटें खाली रह जाती है तो बीसीसी बोर्ड जो है वो परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र नामांकन ले सकते हैं। अगर मॉप अप राउंड जो आपका जेई मेन्स के एग्जामिनेशन के अनुसार होगा, अगर उसको एडमिशन लेने के बाद अगर सीट फिर से खाली रह जाती है तब आपका जो है बीसीसी बोर्ड जो है आपका फॉर्म अप्लाई करवाएगा और उसका एग्जाम ऑर्गेनाइज करेगा। ठीक है, इस संबंध में विज्ञान साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने कहा है कि 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 9365 सीटें हैं। टोटल जो आपका इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका जो सीट है वह 9365 है। ठीक है, अगर आप मॉप अप राउंड के बाद भी सीटें खाली रह जाती है तो बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ ग्रुप वाले छात्र का एडमिशन मेधा के आधार पर बची हुई सीटों पर नामांकन होगा। जो स्टूडेंट पीसीएम कैटेगरी से है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वो जो है एडमिशन लेंगे बीसीसी एग्जामिनेशन के थ्रू। जेई मेन में शामिल होने की अपील, जो बोर्ड जो है वो अपील कर रहा है कि जितना भी स्टूडेंट है वो जेई मेन एग्जामिनेशन में अपीयर हो। ठीक है, बीसीसी एक आपका ऑप्शनल है, अगर जेई मेन्स के थ्रू अगर सीट फुल हो जाता है तब आपका बीसीसी एग्जाम नहीं लिया जाएगा, अगर फुल नहीं हो पाता है तब आपका बीसीसी एग्जाम होगा। विभाग ने कहा कि वैसे छात्र जो इंजीनियरिंग में नामांकन लेना चाहते हैं वह जेई मेन परीक्षा 2022 में जरूर शामिल हो। जेई मेन परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर उन्हें राज्य के 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में संचालित बीटेक में आसानी से नामांकन का अवसर प्राप्त हो सकेगा। साथ ही वैसे छात्र जो किसी कारणवश जेई मेन परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते हैं वह बीसीसी प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा संचालित फिजिक्स केमिस्ट्री जब का एग्जामिनेशन होगा उसमें अवश्य शामिल हो। अगर कोई स्टूडेंट किसी कारणवश वह जेई मेन एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हो पाते हैं, ठीक है, तो वह स्टूडेंट जो है जो बीसीसी एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, 2022 वाला, उसमें वह जरूर अपीयर हो अगर वह बिहार से बीटेक करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो आप अगर बिहार से बीटेक करना चाहते हो तो आप सिविल में कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी कर सकते हैं, सीएससी डिपार्टमेंट भी है आपका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, लेदर टेक्नोलॉजी है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, कंट्रोल तथा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इत्यादि में आप जो है एडमिशन ब्रांच में ले सकते हैं। टोटल आपका जो सीट है बिहार में वह 9365 है। अगर आपको कोई डाउट रहता है कि हम बीटेक करना चाहते हैं बिहार से, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।